हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। आपको स्वागत कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम रिंग यान एंड ओपन एंड यान में डिफरेंट एंड तो रिंग वर्सेस ओपन एंड यान। यहाँ पे आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे रिंग वर्सेस ओपन एंड यान। तो ये रिंग यान क्या है, ओपन एंड यान क्या है, रिंग यान का क्वालिटी, ओपन एंड यान का क्वालिटी, इसमें दोनों में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और ये दोनों यान का किस क्वालिटी में कौन से यान कहाँ बनाए, कौन सा यान को जैसे फाइनर यान होता है कहाँ बनाए, या तो उसका रेंजेस कहाँ तक क्या है, ओपन एंड यान और रिंग स्पन यान का जो क्या क्या इसमें फीचर है, इसमें क्या क्या फीचर है, इस चीज़ के ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो फिर से एक बार आपको स्वागत कर दे रहे हमारे चैनल को, और हमारे चैनल जिन लोगों ने नहीं देख रहे या तो जिनको नहीं देख रहे मतलब है कि उनको ज़रूरत नहीं होगा। अगर सही में आपको ये ज़रूरत है या तो ये आपके लिए कहीं हेल्प होता है तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल को एक लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक बटन दबाने में ये कंजूसी मत होइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए और हम जो भी बता रहे हैं आप कंसेंट्रेट के साथ देखिए। तो बिगिनर लोगों के लिए और जिनको ये नॉलेज लेना है इन लोगों के लिए हमारे जो वीडियो है इस चैनल में डाल रहे ये सबसे अच्छा रहेगा। और यान रिलेटेड बताया था, जो कुछ वीडियो मेरे को कवर करना है वही मैं कवर कर रहा हूँ अभी। तो इसके बाद हम चलेंगे लूम सेट के ऊपर। लूम सेट जाने के पहले और भी वीडियो होंगे जो यान रिलेटेड या तो स्पिनिंग रिलेटेड। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं। हमारे जो टॉपिक है क्या है, रिंग एंड ओपन एंड यान। ठीक है, ओके। तो फिर हमारे यहाँ पे रिंग वर्सेस ओपन एंड यान है और यान प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, या तो यान प्रोड्यूस कहाँ होता है, स्पिनिंग यूनिट से। तो स्पिनिंग को यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पिनिंग टू प्रोड्यूस यान, टू प्रोड्यूस यान। ठीक है, एम ऑफ स्पिनिंग, स्पिनिंग का क्या उसका गोल है, या तो एम ऑफ स्पिनिंग दैट टू प्रोड्यूस यान हुज इन नेक्स्ट प्रिपेयर फॉर वीविंग या तो प्रिपेयर फॉर लूम टू मेकिंग क्लॉथ। सो स्पिनिंग का एम है टू प्रोड्यूस यान। तो स्पिनिंग को एक कन्वेंशनल मेथड था जो हमारे रिंग फ्रेम में ही धागा बनता था, रिंग फ्रेम में धागा बनता था। और एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे और भी कुछ न्यू मशीन आए जिसमें अपना धागा बनना अभी के ज़माने में स्टार्ट हो गए। एक तो उसमें न्यू स्पिनिंग सिस्टम में, इसको नाम दे देते न्यू स्पिनिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एयरजेट स्पिनिंग, एक रोटर स्पिनिंग, एयरजेट स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग, एक और है रैप स्पिनिंग, और क्या है फॉल्स ट्विस्ट स्पिनिंग। स्पिनिंग को शॉर्टकट में SPG लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पिनिंग का जो मेन एम है टू प्रोड्यूस यान, तो ये प्रोड्यूस यान बनाने के लिए हमें स्पिनिंग को चूज किए हैं। और स्पिनिंग में एक कन्वेंशनल मेथड होता है जो पहले से चली आ रहा है, रिंग फ्रेम, और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो आया उसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी है न्यू स्पिनिंग सिस्टम में। तो एयरजेट स्पिनिंग है, रोटर स्पिनिंग है, फ्रिक्शन स्पिनिंग है, रैप स्पिनिंग है एंड फॉल्स ट्विस्ट स्पिनिंग है। तो हम इसमें से एक स्पिनिंग को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे अच्छा से, क्योंकि हमारे लूम का जो लूम वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो इसमें स्पिनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें लूम पर ज़रूरत होता है। तो इस वजह से हम ये यान या तो स्पिनिंग रिलेटेड 8-10 टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं।
तो रिंग फ्रेम में भी धागा बनने का प्रोसेस क्या है आपको बता दिया था, और आज आप लोगों को रोटर स्पिनिंग के बारे में बता रहे हैं। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी इन स्पिनिंग डिपार्टमेंट, या तो स्पिनिंग का एडवांस प्रोसेस होता है या तो एडवांस स्पिनिंग सिस्टम, न्यू स्पिनिंग सिस्टम। तो इसमें प्रोडक्शन का प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, और मतलब कंटिन्यूस यार्न बनना इसमें पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इसमें से एक रोटर स्पिनिंग को ले दे रहा है, तो रोटर स्पिनिंग और रिंग स्पिनिंग, तो रिंग स्पिनिंग का फ्लो लाइन को आपको दिखा दे रहे हैं। अच्छा, रिंग फ्रेम से निकला हुआ यान को रिंग स्पन यान, ठीक है। रिंग स्पन यान का फ्लो लाइन हम क्या कह रहे थे स्टार्टिंग से, एक तो ब्लो रूम, दूसरा हो गया कार्डिंग, फिर हो गया क्या ड्रॉ फ्रेम, एक तो ब्रेकर होता है प्लस फिनिशर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, आगे होता है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स फिर रिंग फ्रेम, फिर ऑटो कॉर्नर, यहाँ तक। तो ये जो होता है ये प्रोसेस को, ये प्रोसेस लाइन होता है इनसाइड रिंग स्पन यार प्रोड्यूस करने के लिए यान इन रिंग फ्रेम, या तो रिंग स्पन यान जो प्रोड्यूस होता है उसका प्रोसेस लाइन इस तरह है, ब्लो रूम कार्डिंग ड्रॉ फ्रेम, ड्रॉ फ्रेम में ब्रेकर फिनिशर लगा रहता है, और सिंप्लेक्स रिंग फ्रेम ऑटो कॉर्नर। और जो रोटर वाला आया, रोटर स्पिनिंग में क्या है, रोटर स्पिनिंग सिस्टम, उसका लाइन को हम बता दे रहे हैं। ये भी वही सेम ब्लो रूम, फिर कार्डिंग को सी डी जी करके लिख दिया, ड्रॉ फ्रेम और डायरेक्ट रोटर। ये रोटर का जो प्रोसेस लाइन है थोड़ा शॉर्ट है, तो ये प्रोसेस लाइन को मिनिमाइज किया गया है और तो एलिमिनेट किया गया है। रिंग स्पन यान में क्या क्या है, ब्लो रूम इसमें भी है, इसमें भी है, कार्डिंग उसमें भी है, इसमें भी है, ड्रॉ फ्रेम उसमें भी है, इसमें भी है, पर रोटर में, रोटर स्पिनिंग का नामकरण ऐसा किया गया है। यहाँ पे एक रोटर होता है जिसे हम यान डायरेक्ट स्लाइवर से बनाया जाता है विदाउट मेकिंग रोबिंग या तो एलिमिनेटिंग सिंप्लेक्स रिंग फ्रेम एंड ऑटो कॉर्नर सेक्शन। सो यहाँ पे तीन सेक्शन को हम छोड़ देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। सिंप्लेक्स को एलिमिनेट किया गया, रिंग फ्रेम को एलिमिनेट किया गया, ऑटो कॉर्नर को एलिमिनेट किया गया। तो पहले क्या है, ब्लो रूम से ओपनिंग क्लीनिंग हो जाता था, कार्डिंग में कार्ड स्लाइवर बनता था, उसका स्लाइवर का क्वालिटी इंप्रोवाइज के लिए और ड्राफ्टिंग देने के लिए, हल्का ट्विस्ट देने के लिए ड्रॉ फ्रेम यूज किया जाता था। फिर बाद में जो स्लाइवर से रोबिंग बनाते थे सिंप्लेक्स में, फिर सिंप्लेक्स जो रोबिंग बनता था उसको इनपुट देते थे रिंग फ्रेम मशीन में, और वहाँ रिंग ट्रैवलर का अरेंजमेंट होते हुए उसमें ट्विस्ट और इंस्टॉल हो जाता था। फिर बाद में यान बनता था छोटे पैकेज में, और उसी छोटे पैकेज को इकट्ठा करके फिर ऑटो कॉर्नर में ले जाके वहाँ पे वाइंडिंग करते थे। जो बड़ा पैकेज बनता था वो लूम के लिए या तो एज ए वेब्ड या तो एज ए वार्प के लिए हम यूज करते थे। तो हमारे सिंप्लेक्स में रोबिंग बनाना, रोबिंग से यान बनाना, और यान को वाइंड करके बड़ा पैकेज बनाना, ये तीन जो प्रोसेस लाइन है या तो सेक्शन है उसको एलिमिनेट किया गया, उसको छोड़ के मतलब उसको शॉर्ट किया गया, उसको मतलब एलिमिनेट यानी कि उसको हम बाद दे दिए। मतलब यहाँ तक सेम है, ब्लो रूम कार्डिंग ड्रॉ फ्रेम, ब्लो रूम कार्डिंग ड्रॉ फ्रेम, बट ये तीनों सेक्शन का काम ये रोटर जो होता है ना, रोटर स्पिनिंग में, वो कंप्लीट करता है। तो ये एक तो प्रोसेस लाइन शॉर्ट हो गया, मिनिमाइज हो गया, स्पेस भी बचा, वहाँ पे जो मैन पावर लगता था वो भी कम लग गया। इसमें एडवांटेज ये है, ये प्रोसेस लाइन शॉर्ट है एज कम्पेयर टू रिंग स्पन यान, मैन पावर जो लगेंगे वो भी कम लगेंगे एज कम्पेयर टू रिंग स्पन यान, और उसमें इकोनॉमिकल सेव हुआ, स्पेस भी सेव हुआ, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस यान प्रोड्यूस होता है इसमें। इसमें क्या है, पीछे मटेरियल, मटेरियल हैंडलिंग, जैसे जितना प्रोसेस बढ़ा है उसमें मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी उसमें आदमी लगते हैं, या तो मटेरियल पीछे वाले मशीन में कोई ब्रेकडाउन हो गया बनी नहीं पाया, तो यहाँ पे भी ये आइडल रहता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ये मटेरियल बनता है, यान बनता है। और यहाँ पर क्या है, रिंग स्पन में हम फाइनर से फाइनर, फाइनर से फाइनर, या कोर्सर से कोर्सर यान तक का
बना सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एनी यन काउंट, बट इट इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी टू एनी यन काउंट। रोटर स्पिनिंग में हम ज़्यादातर कोर्सर काउंट को ही बनाने से फायदा है, जो 3 काउंट से लेकर 20 काउंट 30 काउंट तक, इससे ऊपर जाएंगे तो ये जो क्वालिटी बनेगा उतना सही नहीं बनेगा, ब्रेकेज आ सकता है, क्वालिटी में यूनिफॉर्म इनफॉर्मिटी नहीं रहेगा। तो ये रोटर स्पिनिंग हमारा 3 काउंट से लेकर 30 काउंट तक का रेंज है जो इसमें अच्छा रिजल्ट देता है। और रिंग स्पन यान में फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एवरी यान काउंट। सो रिंग स्पन यान और रोटर स्पिनिंग में ये अंतर हम दिखाए। रिंग स्पन यान किसको बोलते हैं, जो यान प्रोड्यूस बाय यूजिंग प्रोसेस लाइन ऑफ रिंग फ्रेम। एंड रोटर स्पिनिंग क्या है, रोटर स्पिनिंग ऐसे यह है कि न्यू सिस्टम व्हिच एलिमिनेट सिंप्लेक्स रिंग फ्रेम एंड ऑटोकोनर सिस्टम दो आर यूज इन रिंग फ्रेम मशीन रिंग फ्रेम प्रोसेस लाइन एंड प्रोड्यूस यान इन कंटिन्यूस मैनर। एंड रोटर स्पिनिंग में ब्लोरूम कार्डिंग ड्रॉप फ्रेम के बाद डायरेक्ट रोटर में यान बनाने के बाद भी वाइंडिंग उसमें हो जाता है बड़ा पैकेज, जितना अपना 2 किलो से 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक जितना भी पैकेज अकॉर्डिंग जितना भी रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से ये रोटर में बनता है। तो रिंग फ्रेम से रिंग फ्रेम प्रोसेस लाइन को फॉलो किए हुए जो यान बनता है उसको बोलते हैं रिंग स्पन यान। और रोटर स्पिनिंग रोटर को यूज करके जो यान निकलता है उसको बोलते हैं रोटर स्पन यान या तो शॉर्टकट में ओपन एंड यान। तो रिंग का है रिंग फ्रेम को फॉलो करते हुए प्रोसेस लाइन को जो भी यान निकलता है उसको बोलते हैं रिंग स्पन यान। और जो हमारे रोटर स्पिनिंग यान रोटर स्पन यान क्या होता है, जो हमारी ये प्रोसेस लाइन ब्लोरूम कार्डिंग ड्रॉप फ्रेम को फॉलो करके रोटर को हम धाग मतलब उसको प्रोसेस करा के रोटर में बाद यान बनता है और वाइंडिंग होता है बड़े पैकेज जितना हमें आगे रिक्वायरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे धागा बनना ट्विस्ट होना धागा बनना वाइंडिंग ये तीनों हो जाते हैं सिंप्लेक्स और रिंग फ्रेम ऑटोकोनर का ये जो सेक्शन 3 सेक्शन का काम ये रोटर में हो जाता है। तो इससे तो धागा निकलता है उसको बोलते हैं ओपन एंड यान। और इसमें रिंग में क्या है, रिंग में हम कोई भी क्वालिटी का धागा बना सकते हैं और इसमें क्वालिटी मेंटेन अपना बढ़िया से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा क्वालिटी का हैम्पर हो सकता है अगर हम फाइनर यान बनाने जाएं तो ये होता है रोटर स्पिनिंग इज प्रिफर फॉर 3 से 30 काउंट एंड रिंग स्पन यान का जो है वो प्रिफर फॉर एनी काउंट। कोर्सर बनाना है कोर्सर से कोर्सर फाइनर से फाइनर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यान क्वालिटी के मामले में रिंग स्पन अच्छा है, क्वालिटी थोड़ा इसमें हैम्पर होता है अगर फाइनर यान बनाते हैं रोटर स्पिनिंग में। तो ये एक मोटा मोटी रिंग स्पन यान रोटर स्पन यान का, या तो इसको बोलते हैं हम इसमें जो धागा निकलता है उसको बोलते हैं ओपन एंड। क्यों ओपन एंड अभी बोलते हैं इसका भी हम डिस्क्राइब करेंगे। एक मतलब मोटा मोटी आपको नॉलेज दे रहे हैं कि रिंग स्पन यान और ओपन एंड यान में क्या अंतर है। थोड़ा सा प्रोसेस का कम हो जाता है, स्पेस बचता है, मैन पर सेव होता है, यहाँ पे कंटिन्यू यान बनता है और वाइंडिंग भी साथ में हो जाता है। जो ऑटोकोनर सिंप्लेक्स रिंग फ्रेम तीनों सेक्शन का काम इसी में कंप्लीट हो जाता है। ये एक मोटा मोटी दोनों के अंदर डिफरेंस था जो रिंग वर्सेस ओपन एंड यान। तो अभी चलेंगे ओपन एंड यान या तो रोटर स्पिनिंग का जो प्रोसेस लाइन है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मशीनरी में उसका जो मटेरियल फ्लो कैसा होता है और कैसे वो काम करता है वो समझेंगे। अभी इसी को हम डायग्राम करते हैं फिर बाद में आपको समझा रहे हैं। इतना तो